चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो अंदर की रियलिटी है उससे आप अभी तक वंचित हो गए हैं। दोस्तों बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो कॉलेज है वो IKU से एफिलिएशन होते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू इनका अप्रूवल मिला होता है, और इसका जो एग्ज़ाम और अदर तरह की कंट्रोल है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के थ्रू मिला हुआ है। दोस्तों ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज पे लागू होता है। दोस्तों हम बात करते हैं अब TechCube क्या है। दोस्तों TechCube के थ्रू बिहार के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो TechCube है वो वर्ल्ड बैंक और जो भारत सरकार है उसके थ्रू एक चलाई गई योजना है, जिसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो IIT हो, NIT हो और स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो दोस्तों उसमें एक्स्ट्रा फंडेड मिलता है। दोस्तों कॉलेज को एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैब के लिए। तो दोस्तों इसी को एक TechCube प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी TechCube 3 चल रहा है। दोस्तों तो अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं जो TechCube के अंदर आते हैं। तो TechCube के अंदर आपको बता दें MIT मुजफ्फरपुर, BCE भागलपुर, LNJPIIT छपड़ा, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, उसके बाद गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया, उसके बाद दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा और मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी। तो दोस्तों टोटल 7 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो बिहार राज्य से सिलेक्ट हुए थे, इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्ट किया गया था। दोस्तों आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आप सर्च करोगे TechCube 3, तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन लिस्ट में जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल किया गया है वो आपको साफ साफ दिखा देगा। दोस्तों मैं आपको 100% रियल जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं TechCube के बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि कॉलेज में TechCube के थ्रू बहुत सारे एक्स्ट्रा फैकल्टी मिलते हैं, हॉस्टल के स्टूडेंट को बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है, कॉलेज में लैब लाइब्रेरी की सुविधा में जो बुक्स हैं उसे बढ़ाए जाते हैं, लैब में सामान को बढ़ाया जाता है, इसे TechCube के थ्रू ही मिलता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग, सेल्फ और कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सभी आपको TechCube के थ्रू ही आते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ID कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड के बारे में। दोस्तों जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो कॉलेज में आपको 1 महीने बाद लाइब्रेरी कार्ड और ID कार्ड कॉलेज के थ्रू दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दें कि लगभग 50 रुपये जमा करने होते हैं, और आपको लाइब्रेरी कार्ड से ही लाइब्रेरी से कोई बुक आपको इश्यू होता है और एक फिक्स टाइम के बाद आपको सबमिट करना होता है। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी जाती है, जहाँ सारे स्टूडेंट आप चाहे तो बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर बुक लाकर अपने रूम पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वहाँ सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है दोस्तों, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको 1 टाइम होता है, और इसके लिए जो फी रखा गया है वो जनरल OBC वाले को 2100 रुपये देने होते हैं और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को 500 रुपये देने होते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम में आपको बता दें जैसे आप लोग सुने होंगे BSc और जो BA करते हैं उनको जो होता है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, परंतु दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर चलता है, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, और इसी से आपको टोटल 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर आपको पढ़ाई पूरी करनी होती है। दोस्तों हम मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम पूरी तरह से इंग्लिश हो जाती है, इसमें बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो फिर भी उनको सारा सिस्टम इंग्लिश में हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं एग्ज़ाम के सेमेस्टर के, तो ऑड सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर से जनवरी महीने के बीच होता है, और जो इवन सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम, सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम, तो दोस्तों वो समर सेमेस्टर है और इसका एग्ज़ाम मई से जून मंथ में होता है। दोस्तों इधर अभी कोरोना काल है तो हो सकता है कुछ चेंजेज हो जाए, लेकिन जो ऐसे फिक्स जो होता था वो आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के थ्रू जारी होता है, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है और जो कॉपी वगैरह है वो सारी यहीं से जांच होती है, और रिजल्ट भी यही KU यूनिवर्सिटी ही देता है। दोस्तों
एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आपको 3200 रुपये देने होते हैं पर सेमेस्टर, और जो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 3200 लगते हैं, एससी एसटी के स्टूडेंट को 700 रुपये देने होते हैं। दोस्तों अब एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कहाँ होता है। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आपको बता दें कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही सेंटर जाता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग सभी का जो अपने डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होता है उसका सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इंजीनियरिंग कॉलेज का सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का होता है उससे पहले कॉलेज में एक मिड सेम का एग्ज़ाम होता है, वो आपको 20 मार्क्स का रिटेन एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज में आपको प्रोफेसर पढ़ाएंगे वही आपको टेस्ट लेंगे और वो कॉलेज में इंटरनल मार्क्स के रूप में ऐड होता है। दोस्तों एक कॉलेज के थ्रू ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें अब कैरी क्या लगता है, कैरी क्या होता है। दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं आपको किसी भी विषय में आप फेल कर जाते हैं, किसी एक या दो विषय में फेल कर जाते हैं तो उसे कैरी कहा जाता है। उसे अगले सेमेस्टर में यानी जब आपके जूनियर्स आएंगे तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक लगा है कैरी लगा है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ यानी जूनियर्स के साथ आपको देना होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बैक नहीं लगेगा, कैरी नहीं लगेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों हम बात करते हैं क्लास और अटेंडेंस के बारे में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता न किसी रूप में कोई बता देता है कि उनका अटेंडेंस कोई मायने नहीं रखता है, क्लास रेगुलरली नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने टेक्यू कॉलेज हैं और नॉन टेक्यू कॉलेज हैं उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन दिया गया है, एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बता दें कॉलेज में रेगुलर क्लास की व्यवस्था की गई है, टेक्यू कॉलेज हैं वहाँ पे प्रोफेसर के द्वारा अच्छी पढ़ाई की सुविधा है, और नॉन टेक्यू में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों अगर प्रॉब्लम होता है तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, आप कॉलेज के डिपेंडेंट मत रहिए, प्रोफेसर के डिपेंडेंट मत रहिए, अगर आप खुद से भी मेहनत कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें NPTEL स्वयं एक मोबाइल ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक यूट्यूब चैनल यानी कि YouTube एक माध्यम है जिससे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ आप पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, इसके अगर नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दें कि जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो अच्छी डिग्री लिए हुए होते हैं, उनके पास अच्छे नॉलेज होते हैं, परंतु कुछ टीचर में एक्सपीरियंस नहीं होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कॉलेज में जो प्रोफेसर मिलेंगे वो अच्छे नॉलेज वाले मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लैब और लाइब्रेरी की बात करें तो बता दें आपको कि सभी टेक्यू कॉलेज में लैब और लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, नॉन टेक्यू कॉलेज और नॉन टेक्यू कॉलेज और जितने भी न्यू कॉलेज बन रहे हैं तो दोस्तों इसमें धीरे धीरे सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हो रहा है तो वहाँ व्यवस्था दी जा रही है। दोस्तों लाइब्रेरी में आपको बता दें कि सिलेबस से संबंधित सभी प्रकार की बुक आपको मिल जाएंगे, आपको बुक कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि जो साइंस फेस्टिवल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, दोस्तों कॉलेज में ये सारे इवेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कॉलेज में ऐसा मज़ा आ जाता है कि आप ज़रूर पढ़ाई में अपनी फोकस करते हैं, आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में बढ़ जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको इस तरह का इवेंट समय समय पर होते रहते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा बेफिक्र होकर तैयारी करनी पड़ती है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए और आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आप इस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों ये इवेंट आपको समय समय पे जैसे एनुअल डे हुआ और सरस्वती पूजा हुआ तो इस पे आपको कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, तो जिसको जिनको सिंगिंग डांसिंग में इंटरेस्ट हैं तो वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और जो अच्छा करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट और प्राइज भी मिलता है। दोस्तों उसी तरह से आपको बता दें कि NIT पटना, IIT पटना, उसके बाद MIT मुजफ्फरपुर, ये सारे कॉलेज अपनी तरफ से टेक फेस्टिवल का आयोजन करवाता है। तो दोस्तों इसमें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, तो पिछले साल हम लोगों ने भी किया था, और आने वाले समय में आप जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें रोबो सावकर, रोबो बार, हर्डल मानिया, ट्रस ब्रिज कंपटीशन, क्यूज कॉन्टेस्ट, स्टंट शो, वाटर रॉकेट कंपटीशन, पोएट्री, उसके बाद साइंस एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, दोस्तों बहुत तरह के इवेंट होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच जाते हैं तो आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट
बहुत ज़्यादा रखना होता है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट न भी है तो आपको बनाना होगा, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड में जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, जब आप कॉलेज में पार्टिसिपेट करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेना पड़ता है। दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से ये लोन अप्रूव है, और जो इनका एडमिशन है वो एडमिशन के बाद आपको कॉलेज से बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बनवाना होता है, और उसके बाद ही आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब जब चाहो जब अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद कॉलेज से आप एक बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, उसके बाद आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो दोस्तों बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने बहुत बार सुना कि प्लेसमेंट नहीं होता है। दोस्तों एक गलत बात है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के जितने टेक्यू कॉलेज हैं, उसके अलावा एक बीसी बख्तियारपुर का कॉलेज है, दोस्तों इस सारे कॉलेज से टेक्यू बहुत बढ़ गया है, इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। जिस बैच में अच्छे स्टूडेंट ज़्यादा मिल जाते हैं, उसका जो डाटा है वो सीधे बदल जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप कॉलेज के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, हर एक लगभग सभी कॉलेज के वेबसाइट पे आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड डाटा दी गई है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि बिहार में कुछ नहीं होता है, यहाँ से प्लेसमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप उन लोगों के बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप कॉलेज, मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ठीक से अपने कॉलेज की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपको कॉलेज के रैंकिंग, प्लेसमेंट फी के बारे में बहुत गलत जानकारी देते हैं। दोस्तों अच्छे कॉलेज का रैंकिंग बहुत नीचे बता देते हैं, जिससे स्टूडेंट आपको अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट भी नीचे में चॉइस फील कर देते हैं, और उन्हें गलत कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों आप सही को चुनें, सावधान रहें और अपनी सोच समझ के साथ आगे की काम करें, ताकि आपको अच्छे परसेंटाइल पे अच्छा कॉलेज ही मिले, आपको अच्छे परसेंटाइल पे कोई लो कॉलेज ना मिल जाए, ताकि आपको बाद में रोना पड़े। दोस्तों तो आपको समझते हैं कि आपके बहुत सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट, उसके बाद रैंकिंग, उसके बाद ड्रेस कोडिंग, और ये सारी जानकारी मैं लेकर बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।